हेलो क्लास, आज हम सीखेंगे स्पोकन इंग्लिश के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका यूज बहुत ज्यादा करते हैं। आज हम सीखेंगे कि जब भी वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं, सकती हूं, सकते हो, जब भी वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं, सकती हूं, सकते हो आता है तो वहां पर यूज करेंगे कैन का। और कैन का यूज स्पोकन में बहुत ज्यादा होता है। हाँ, आप सही सुन रहे हो, इंग्लिश बोलने के लिए कैन का यूज बहुत करते हैं। जैसे हम बोलते हैं आई कैन स्पीक इंग्लिश, यस। तो स्ट्रक्चर होता है सिंपल सा, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे कैन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। सबसे पहले पहचान लेंगे कि जब भी वाक्य के अंत में आएगा सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं, सकती हूं, सकते हो, तो हम वहां पे यूज करेंगे कैन का। और स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल है, एक स्ट्रक्चर समझ लो, बहुत सारे सब्जेक्ट और वर्ब की सहायता से हम कई सेंटेंस बना सकते हैं और उन सारे सेंटेंसों की सहायता से हम इंग्लिश बोलेंगे। बहुत शानदार। तो ये रहा हमारा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कोई सा भी हो, कैन का यूज करना और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही। जैसे कुछ एग्जांपल दे रखे कि आप फूल चुन सकते हो, तो आपको हमें, हम जानते हैं कि आपको बोलते हैं यू, यू हमारा सब्जेक्ट हो गया, आपको बोलते हैं यू, ठीक है, लिख लिया। आपके बाद या सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे कैन, यू कैन। चुनने की वर्ब होती है सिलेक्ट, तो आप फूल चुन सकते हो, फूल चुन रहे हो, यू कैन सिलेक्ट फ्लावर्स। आप फूल चुन सकते हो, यू कैन सिलेक्ट फ्लावर्स। आप फूल नहीं चुन सकते हो, यू, सबसे पहले लिखेंगे यू, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब मॉडल कैन, यू कैन, नहीं नॉट, सिलेक्ट फ्लावर्स। आप फूल चुन सकते हो, यू कैन सिलेक्ट फ्लावर्स। आप फूल नहीं चुन सकते हो, यू कैन नॉट सिलेक्ट फ्लावर्स। क्या आप फूल, हम इस प्रकार से कई सेंटेंस बनाते हैं। क्या आप फूल चुन सकते हो, कैन यू सिलेक्ट फ्लावर्स, तो बनाएंगे। क्या आप फूल चुन सकते हो, सबसे पहले जाएगा कैन, कैन यू सिलेक्ट फ्लावर्स क्वेश्चन मार्क। क्या आप फूल नहीं चुन सकते हो, कैन यू नॉट सिलेक्ट फ्लावर्स। आप कब फूल चुन सकते हो, तो सबसे पहले कब को लिखेंगे व्हेन, व्हेन कैन यू, व्हेन कैन यू सिलेक्ट फ्लावर्स। आप कहां फूल चुन सकते हो, तो कहां को बोलते हैं वेयर, वेयर कैन यू सिलेक्ट फ्लावर्स। आप कैसे फूल चुन सकते हो, कैसे को बोलते हैं हाउ, हाउ कैन यू सिलेक्ट। तो ये रहे हमारे एक जैसे कई सेंटेंस। आप फूल चुन सकते हो, यू कैन सिलेक्ट फ्लावर्स। अब ऐसे प्रैक्टिस करेंगे कैसे, आप फूल चुन सकते हो, यू कैन सिलेक्ट फ्लावर्स, आप फूल चुन सकते हो, यू कैन सिलेक्ट फ्लावर्स, आप फूल चुन सकते हो, यू कैन सिलेक्ट फ्लावर्स, आप फूल नहीं चुन सकते हो, यू कैन नॉट सिलेक्ट फ्लावर्स। इन दिस वे इफ यू विल डू प्रैक्टिस योर इंग्लिश विल बी मोर बेटर, यू विल बी स्पीक बेटर इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ एनी वन। सो यू हैव टू डू दिस वे प्रैक्टिस। आप फूल चुन सकते हो, यू कैन सिलेक्ट फ्लावर्स, आप फूल चुन सकते हो, यू कैन सिलेक्ट फ्लावर्स, क्योंकि इसमें आपको हिंदी में सोच के इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसमें अपने आप अपने मन से इंग्लिश बनेगी। तो ये आप फूल चुन सकते हो, यू कैन सिलेक्ट फ्लावर्स, आप फूल नहीं चुन सकते हो, यू कैन नॉट सिलेक्ट फ्लावर। एक सेंटेंस को 3 बार बोलो कम से कम। क्या आप फूल चुन सकते हो, कैन यू सिलेक्ट फ्लावर्स, क्या आप फूल चुन सकते हो, कैन यू सिलेक्ट फ्लावर्स, क्या आप फूल नहीं चुन सकते हो, कैन यू नॉट सिलेक्ट फ्लावर्स, क्या आप फूल नहीं चुन सकते हो, कैन यू नॉट सिलेक्ट फ्लावर्स।
आप कब फूल चुन सकते हो, व्हेन कैन यू सिलेक्ट फ्लावर्स, आप कहाँ फ्लावर्स चुन सकते हो या फूल कहाँ चुन सकते हो, वेयर कैन यू सिलेक्ट फ्लावर्स, आप कैसे फूल चुन सकते हो, हाउ कैन यू सिलेक्ट फ्लावर्स। इन दिस वे वी कैन मेक सो मेनी सेंटेंस। यहाँ पे हमने ओनली फूल को लिखा है, हम बहुत सारे बोल सकते हैं। आप बॉटल चुन सकते हो, आप बैग चुन सकते हो, आप कपड़े चुन सकते हो, आप शूज चुन सकते हो। तो हमने कैन के कितने सारे सेंटेंस बना लिए, इसी प्रकार कैन के और सेंटेंस बना सकते हैं। आइए दो तीन सेंटेंस और देखते हैं। हमारे कुछ और एग्जांपल्स, हम उसे पढ़ा सकते हैं। हम, हमको बोलेंगे वी, सकते हैं कैन, वी कैन, पढ़ाने की वर्ब टीच, हम उसे पढ़ा सकते हैं, वी कैन टीच। अब लड़का है लड़की दोनों लिख सकते हैं, हिम या हर, लड़का होगा तो हिम लिख देंगे, लड़की होगा तो हर, बट यहां पता नहीं चल रहा है। हम उसे पढ़ा सकते हैं वी कैन टीच हिम या वी कैन टीच हर। वह अंग्रेजी में बात कर सकता है, वहां तो ही कैन टॉक इन इंग्लिश, वह अंग्रेजी में बात कर सकता है, ही कैन टॉक इन इंग्लिश। तुम उसे बता सकते हो, यू कैन एक्सप्लेन हिम या हर, दोनों आ सकता है। सो ये रहे हमारे कैन के सेंटेंस जो हम आसानी से बनाकर बहुत प्यारी इंग्लिश बोल सकते हैं। इसी प्रकार के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।